students, today's topic of our discussion is comparison of जॉन प्लेट with convex lens. पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देख लिया था जो जॉन प्लेट है वो कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करती है, लेकिन कन्वेक्स लेंस का सिर्फ एक फोकल पॉइंट है, जबकि जॉन प्लेट जो है बहुत सारे फोकल पॉइंट्स रखती है. इट डिपेंड्स कि आपने पॉजिटिव जॉन प्लेट ली है या नेगेटिव जॉन प्लेट ली है. तो याद कीजिएगा B, B/3, B/5 पॉजिटिव जॉन प्लेट्स के लिए हमारे फोकल पॉइंट्स आए थे. तो पहले देखिएगा सिमिलैरिटी जो है, सिमिलैरिटी वाले पॉइंट हम देख रहे हैं. कन्वेक्स लेंस का जो फॉर्मूला है वो होता है 1/V - 1/U = 1/F. तो V आपका पोल से इमेज तक का डिस्टेंस है और U आपका पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है. सिमिलरली हमारे जॉन प्लेट का भी कुछ ऐसा ही जो है रिलेशन है. 1/B आपका वो पॉइंट है जहाँ पर इमेज बन रही थी स्क्रीन के ऊपर, और A जो है पोल जो था आपका वो उससे सोर्स तक का जो डिस्टेंस था वो हमने रिप्रेजेंट किया था. और ये जो n lambda upon rn square है इसको आप जो है इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/FN. तो ये आपकी फोकल लेंथ के इक्वल है. तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला भी हमें साथ साथ याद करना है. तो फोकल लेंथ FN इज इक्वल टू rn square डिवाइडेड बाय n lambda. फोकल लेंथ ऑफ बोथ डिपेंड अपॉन वेव लेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, बोथ शो क्रोमेटिक एब्रेशंस. अब देखिए क्रोमेटिक एब्रेशन तब आते हैं जब आप यूज़ कर रहे होते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट. तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट के अंदर होता क्या है, आपके पास मान लीजिए कन्वेक्स लेंस है, तो ये जो कन्वेक्स लेंस है, और हमें एक चीज़ और भी पता है कि जो मटेरियल है आपके पास आपके लेंस का जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. लगातार वेवलेंथ अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो उस बॉडी के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता हुआ चला जाएगा. ये चीज़ आप ऑलरेडी जो है प्रिज्म में डिस्पर्जन में पढ़ चुके हैं. तो अब याद कीजिएगा कि ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था 1/V - 1/U = 1/F, तो ये जो 1/F वाला फॉर्मूला भी है तो आप अगर याद करें तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आया था, μ - 1 1/R1 - 1/R2. तो 1/R1 1/R2 जो है वो तो हमारे ये जो लेंस है इसका, इसको अगर आप कंप्लीट करेंगे तो ये आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 आ जाएगा, और इसको अगर आप कंप्लीट करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास कितना आ जाएगा, R2 आ जाएगा. और म्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा हो ही गया. म्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वो जो है डिपेंड करता है वेवलेंथ के ऊपर. तो वेवलेंथ को आप इंक्रीज करते चले जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा. तो अब देखिएगा म्यू कम हो गया, तो म्यू अगर कम हो गया तो एफ़ की वैल्यू क्या कर जाएगी, हमारी इंक्रीज कर जाएगी. तो इसी अगर पीछे से हम यहाँ से वाइट लाइट डालेंगे तो वाइट लाइट डालने से क्या होगा, अलग अलग जो हमारे कलर्स हैं वो अलग अलग जगह पे फोकस होते हुए चले जाएंगे. तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा रेड कलर फोकस हो गया तो यहाँ पर हमारा वॉयलेट कलर फोकस हो जाएगा, एंड इन बिटवीन वॉयलेट एंड रेड वी गेट ऑल द कलर्स. यही काम हमें क्रोमेटिक एब्रेशन वाला हमें मिल जाता है हमारे जॉन प्लेट के अंदर भी. तो जॉन प्लेट में तो आप देखिए सीधा सीधा फॉर्मूला ही हमें पता नज़र आ रहा है कि जो FN है वो हमारी जो फोकल लेंथ है वो डिपेंड कर रही है RN स्क्वायर पर और N लैम्डा पे. तब सोचिएगा रेड कलर को अगर आपने यूज़ कर लिया तो रेड कलर के लिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो बिल्कुल वही काम हो रहा है जो कि हमारे लेंस ने किया है. तो जॉन प्लेट के लिए भी अगर हमारे पास पॉइंट पी है तो अगर पीछे से हमने वाइट लाइट का यूज़ किया है तो ये आपके पास मान लीजिए वॉयलेट कलर का अगर फोकल पॉइंट है तो इससे आगे मिलने वाला है हमें रेड कलर का फोकल पॉइंट. तो दिस इज़ द सेकंड सिमिलैरिटी के दोनों की दोनों क्या दिखा रहे हैं, क्रोमेटिक एब्रेशन दिखा रहे हैं. उसके बाद देखिए बोथ प्रोड्यूस रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बोथ दोनों के दोनों रियल इमेज जो है ऑब्जेक्ट की दिखा रहे हैं ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑन अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब जो आपकी जॉन प्लेट थी यहाँ पर हमने रखी थी ऑब्जेक्ट और यहाँ पर बन रही थी इमेज, तो अदर पॉइंट हो ही गया. उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट से एक रे आ रही थी, ऑब्जेक्ट से दूसरी रे आ रही है, दे बोथ रेज आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट. तो इसी पॉइंट पे इमेज बनेगी. तो जहाँ पर रियलिटी में आपकी रेज इंटरसेक्ट कर रही है तो वहाँ पर इमेज बन रही है. सेम जो है हमारा किसके अंदर होता है, सेम हमारा कन्वेक्स लेंस में होता है. तो अगर ये मान लीजिए ये आपका फोकल पॉइंट है और यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट रख दी है 2F के ऊपर, तो हमें पता है अब पोल में से जो जाएगी वो तो सीधी जाएगी अनडेविएटेड, तो पोल पॉइंट ही वही होता है जिसमें से अनडेविएटेड आपकी रेस चली जाए. और दूसरी जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दिखाएंगे
वो हमारी किस में से जाएगी, फोकस में से। तो अब ये देखिए दोनों इंटरसेक्ट यहाँ कहीं ना कहीं कर जाएंगी, तो ये आपके पास क्या हो गया, इमेज बन गई। तो दोनों में ही रियल इमेज आपके पास बन रही है, और इधर ऑब्जेक्ट है लेफ्ट में, इधर भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, और अपोजिट साइड हमारी क्या बन रही है, इमेजेस बन रही हैं। तो दिस इज़ द थर्ड पॉइंट, द सिमिलरिटी पॉइंट इन बिटवीन कन्वेक्स लेंस एंड जॉन प्लेट। उसके बाद फॉर्मूला फॉर लीनियर मैग्नीफिकेशन फॉर जॉन प्लेट एंड कन्वेक्स लेंस आर सिमिलर। तो आप याद कीजिएगा कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमारा माइनस वी अपॉन यू हुआ करता, तो यहाँ पर हम अगर प्लेट का निकालेंगे तो माइनस वी अपॉन में ए कह देंगे, तो बस v को u b से और u को a से रिप्लेस ही तो करवाना है हमें। उसके बाद आ जाइए डिफरेंसेस के ऊपर। डिफरेंसेस में सबसे जो मेन डिफरेंस है वो तो हमारा यही रहेगा कि कन्वेक्स लेंस हैज़ ओनली वन फोकस, जॉन प्लेट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ फोकस, तो बहुत सारे फोकस हो जाने वाले हैं, और जॉन प्लेट के जो फोकस हैं उनकी वैल्यू हमारी एन की वैल्यू से क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो पॉजिटिव जॉन प्लेट अगर आपने ली है तो एन की वैल्यू को स्टार्ट कीजिएगा 1, 3, 5, 7 ओड रखते जाइएगा, दुनिया जहान की आपकी फोकल लेंथ आ जाएंगी। इसी तरह से अगर आपने पॉजिटिव जॉन प्लेट ली है तो एन की जगह 2, 4, 6, 8 रखते जाइएगा, फोकल लेंथ आपको अलग अलग मिलती ही चली जाएंगी। तो मेंशन कीजिएगा कि जॉन प्लेट कौन सी हमने ली है, उस चीज़ पर डिपेंड करेगी आपकी एन की वैल्यू। उसके बाद देखिएगा, फॉर कन्वेक्स लेंस ऑलवेज रीचिंग द इमेज पॉइंट हैव सेम ऑप्टिकल पाथ, फॉर जॉन प्लेट द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रांसपेरेंट जोन इज लैम्डा। अब ये देखिए ये लाइन हमें क्या कह रही है, ये लाइन हमें ये कह रही है कि अगर ये मेरी जॉन प्लेट है तो मुझे पता है कि ऑसिलेट जाएगी, ठीक है, और उसके बाद M1 M2 वाले पोर्शन से लाइट नहीं जाएगी। और ये भी पता है यहाँ पर अगर आपका जो डिस्टेंस था वो b था, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है हमारा b 2 × λ/2 हो गया था, तो इसको कैंसिल आउट 2 से 2 वो कर देंगे तो लैम्डा बचेगा। तो जो बाकी है वो हमारी यहाँ से जा रही है, तो फर्स्ट से जा रही है, थर्ड से जा रही है, और फर्स्ट और थर्ड के बीच में जो आपका पाथ का डिफरेंस है वो कितने का हो गया, लैम्डा का। तो यहाँ पी पॉइंट पर हमेशा मुझे क्या मिलने वाला है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलने वाला है। तो यहाँ पर तो लैम्डा का डिफरेंस आ गया, यहाँ पर ऐसा कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पर जब हमारी फोकल पॉइंट के ऊपर ये मिलती है, दे कवर इक्वल पाथ, ये इक्वल पाथ कवर करती है, इसका मतलब ये सेम आपके पास फेज है। जबकि यहाँ पर हर बार जो है फेज कितने का ऐड होता जाएगा, अब ये फर्स्ट से थर्ड के बीच में लैम्डा का है, फोर्थ की लाइट हमें मिलने वाली नहीं है, फिर फिफ्थ की मिलेगी, तो थर्ड और फिफ्थ के बीच में कितने का हो जाएगा, फिर से लैम्डा का हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिसिमिलैरिटी या डिफरेंस। फॉर जॉन प्लेट फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर इज लेस देन वॉयलेट कलर, बट फॉर कन्वेक्स लेंस एफ आर इज ग्रेटर देन एफ वी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले के हिसाब से म्यू की वैल्यू हमारी रेड कलर की अगर हम देखें तो म्यू आर इज ग्रेटर, ये जो हमारे पास आता है म्यू आर इज ग्रेटर देन, सॉरी उल्टा हो जाएगा, म्यू आर इज लेस देन म्यू वी, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो रेड कलर की वेवलेंथ हमारी ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा कम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमारा कम हो गया तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर इस रिलेशन से एफ आर की वैल्यू हमेशा ही ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू एफ वी। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि एफ आर इज़ ग्रेटर देन एफ वी इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। लेकिन अगर यही फॉर्मूला हम इसके ऊपर लगा दें जॉन प्लेट के ऊपर, तो जॉन प्लेट में तो देखिए अपोजिट हो जाएगा सारा काम, लैम्डा आर इज़ ग्रेटर देन लैम्डा वी, तो लैम्डा आर अगर ज़्यादा है तो एफ आर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर इज़ स्मॉलर एज कम्पेयर टू वॉयलेट कलर इन केस ऑफ जॉन प्लेट, और इससे बिल्कुल इन्वर्स किसका रिजल्ट हो जाएगा, हमारा कन्वेक्स लेंस का रिजल्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, इंटेंसिटी ऑफ इमेज फॉर्म बाय जॉन प्लेट इज लेस देन दैट ऑफ इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस पे तो आपकी इमेज एक ही बन रही है, तो सारी की सारी रेज यहीं पर मर्ज हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास है, एक इमेज पी पे बन रही है, एक हमारी बी बाय थ्री पे बन रही है, एक बी बाय फाइव पे बन रही है, एक बी बाय सेवन पे बन रही है। तो इतनी सारी इमेजेस जो हमारी बन रही हैं, तो एनर्जी इज़ गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट, तो एनर्जी हमारे डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे, कुछ सिमिलैरिटीज़ थी, कुछ डिफरेंसेस थे इन बिटवीन द कन्वेक्स लेंस एंड जॉन प्लेट। तो
इसको आप पॉइंट्स को ज़्यादा मुश्किल पॉइंट्स नहीं है, अगर आप याद करें समझने के बाद तो बहुत ईजिली आपको याद हो जाएंगे।